चलिए हेडिंग लगा लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहली हेडिंग है हम लोगों की कम्युनिटी। क्या होती है कम्युनिटी, थोड़ा सा देखो स्पीड रखेंगे, आप लोगों का एग्जाम है उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, फटाफट लिखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड करो। चलिए सिलेबस पे आ जाओ अपने। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी सिंपली क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें कुछ चीजें क्या होती है कॉमन होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखो कभी भी आप मार्केट में ग्रुप ऑफ पीपल तो मार्केट में भी होता है, बट उनको आप कम्युनिटी तो नहीं बोलते, आप उन्हें क्या बोलते, सिर्फ एक भीड़ बोलते। तो उसी तरह से सिंपल सी बात होती है, सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटी नहीं है। हाँ ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटी बनती है, कब बनती है, जब उनमें कुछ चीजें जो कॉमन होती है वो आपस में मिलती है। सबसे पहले इसमें जो कॉमन चीज होती है वो होता है जियोग्राफिकल एरिया। क्या कॉमन होता है, जियोग्राफिकल एरिया। दूसरी चीज यहां पे क्या कॉमन होती है, इन लोगों के बीच में जो कस्टम्स हैं वो कॉमन होते हैं। उसके अलावा यहां पे क्या कॉमन होता है, इन लोगों का सबका इंटरेस्ट कॉमन होता है। और चौथी बात, ये सारे के सारे एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पर सब इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये सब लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। देखो मैं कहीं बाहर जाऊं, जैसे मैं दिल्ली में हूं, तो आज मैं अगर किसी से पूछता भाई तुम कहां से हो, वो बोलता भैया मैं राजस्थान से हूं, तो हम राजस्थानी बोलोगे मैं राजस्थानी हूं, तुम बोलोगे कि मैं हरियाणवी हूं, या मैं दलित हूं, या मैं कश्मीरन हूं, या मैं उत्तर प्रदेश से हूं। तो ये उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब मुंबई कर, ये सब क्या है, एक जियोग्राफिकल का टुकड़ा ही तो है, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। तो ये चीज सबसे ज्यादा पहली इंपॉर्टेंट होती है जो कॉमन होती है। कस्टम्स क्या होते हैं, किसी भी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के उनके रूल रेगुलेशन। सोचो आप लोग आज यहां पर क्यों पढ़ रहे हो, नौकरी के लिए, ऑब्वियस सी बात है। अब नौकरी क्यों चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पैसा कमाना है। तो अब पैसा कमाने के लिए आपने ये इतनी तपस्या करने की ही क्यों सोची, आप जाके किसी भी बैंक में लूट लेते, जाके कोई भी एटीएम तोड़ करके ले आते, क्यों नहीं लेकर के आए, क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपके कस्टम्स आपको ये सब चीजें करने को अलाउड नहीं करते। तो बेसिकली देखा जाता है कि एक कम्युनिटी के अंदर जो कस्टम्स होते हैं वो पर्टिकुलर सभी लोगों के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तीसरी बात इंटरेस्ट। देखिए अगर मान लूं मैं नर्सिंग एक्सपर्ट क्या है, कम्युनिटी है ना, तो हम आप लोगों पर डिपेंड है कि नहीं है, बिल्कुल डिपेंड है। अगर आप लोग नहीं होते तो हम किसे पढ़ा रहे होते हैं, और क्या अगर हम ना होते तो क्या आप लोग यहां पे होते, है ना। तो सारे लोग एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। दूसरी बात इंटरेस्ट आप सभी लोगों का क्या है, कॉमन है। जैसे मान लो मैं खुद, मेरा भी क्या इंटरेस्ट है, आप लोगों को नौकरी दिलवाना। आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है कि आप लोग नौकरी लग जाओ। अब कोई कहीं नौकरी लगेगा, कहीं कोई लगेगा, सबका क्या होगा, अलग अलग तरीका होगा। कोई एसजीपीजीआई जाएगा, कोई सीएचओ बन जाएगा, कोई नर्सिंग ऑफिसर एम्स में बन जाएगा, या कोई किसी भी तरीके से बन सकता है। लेकिन हाँ एक अल्टीमेट जो इंटरेस्ट होता है वो सबका क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये होती है क्या, हमारी कम्युनिटी।